वेतन न मिलने से नाराज टोल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन सभी कर्मचारियों ने रेवाड़ी में फास्टैग को छोड़कर कैश वाली लाइन को फ्री कर दिया। कर्मचारियों ने साफ कहा कि जब तक उन्हें सैलरी नहीं मिलती तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। हालांकि टोल मैनेजर ने कर्मचारियों को समझा बुझाकर वापस काम पर लौटने की अपील की, लेकिन कर्मचारी हड़ताल पर ही बैठे रहे। सैलरी नहीं आ रही हमारी, दो दो महीने की सैलरी रोक के, और फिर ये कहते हैं कोई दिलासा ही देते कि भाई सैलरी आ जाएगी आपकी। अब अगले महीने त्यौहार आ रहे हैं, उसकी भी कोई नहीं कि भाई तुम्हें टाइम पे सैलरी मिल जाएगी। दूसरी बात, ना बूथों में एसी ना पंखे, बच्चे गर्मी में काम करते हैं, अगर ज़्यादा कहते हैं तो कहते हैं भाई अपने घर जाओ। ठीक है, इनका व्यवहार सब चीज़ों में ख़राब है। मतलब एचआर से कह लो, हमेशा गड़बड़ी मिलेगी आजियों में, बार बार हर ना कोई ड्रेस की अगर कहते हैं तो कहते हैं भाई ड्रेस भी अपने घर से सिलवा लो भाई, जबकि कंपनी जूते दे रही है, ड्रेस दे रही है, सारी चीज़ें सुविधा हैं और हर महीने से चली आ रही हैं। कोई लड़के आज कोई नया लड़का नहीं है, पुराने लड़के हैं, सभी की है कंटिन्यू, और आज तक ना ही किसी को ऐसी समस्या रही है। ये सैलरी का जो थोड़ा लेट होने का है, सैलरी ये नहीं कि पिछले कई महीने की है, जो सैलरी है जून की आनी है, जो 20 तारीख तक आ जाती थी वो लेट है जून महीने की आनी, बाकी सारी अपडेट क्लियर हैं। और वो इस कारण से है कि एक टोल बंद पड़ा हुआ है, बाकी कुछ टोलों की तो जनवरी तक की आई हैं जो बंद पड़े हुए हैं, तो ये थोड़ा डिले हो रहा है। कंपनी को भी थोड़ी फाइनेंशियल इशू हो रही है इस कारण से। अभी टोल फ्री हो गया था या फिर कैसे चला रहा है? नहीं, टोल चल रहा है, टोल रूटीन में चल रहा है, वो अपना थोड़ा सीनियर मैनेजमेंट चल रही है लड़कों का इशू। ठीक है, अभी कहाँ से कर्मचारी जो बुलाएंगे टोल जो काम कर रहे हैं? नहीं, ये सीनियर मैनेजमेंट। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में पूरे हरियाणा के टोल प्लाजा पिछले कई महीनों से फ्री हैं। रेवाड़ी के एकमात्र गंगायचा टोल प्लाजा पर ही टैक्स कट रहा है। टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि मुश्किल वक्त में भी हमने अपनी ड्यूटी की है, बावजूद इसके उन्हें समय पर सैलरी नहीं मिलती। पिछले 2 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली, जिसकी वजह से घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। साथ ही कर्मचारियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली ESI व PF की सुविधाओं से भी वंचित रखा जा रहा है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।